क्योंकि दिल्ली में हवा जो है वो सिवियर हो गई है विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग नियरली 500 इन सम एरियाज। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया टू अलाउ क्लाउड सीडिंग। ये मेथड इंड्यूस करता है आर्टिफिशियल रेन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियल रेन जो है वो वॉश अवे कर सकता है पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और ये हेल्प कर सकता है टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो एम करता है टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द क्लाउड्स, यानी कि बारिश को इंक्रीज करता है। इसमें सेवरल स्टेप्स इंक्लूड होते हैं फॉर मेकिंग एन आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल, जिसमें इंक्लूड होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स सूटेबल फॉर द प्रोसेस एंड देन सीडिंग देम कुछ एजेंट्स के साथ जो प्रोवाइड करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स विद अ पार्टिकल टू कन्वर्ज अराउंड, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको फिर ये प्रिवेंट करती है। इसका मतलब ये है कि जो पोल्यूटेंट्स होती है उसको ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम अफेक्टिंग आवर लंग्स। अब ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले मीटरोलॉजिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं क्लाउड्स को जो सूटेबल होता है फॉर सीडिंग। अब ये क्लाउड्स में सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए लेकिन ये लैक करते हैं नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रेन ऑन देयर ओन। फिर कुछ कॉमन एजेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू सीड दीज क्लाउड्स, सच एज सिल्वर आयोडाइड हो गया, ड्राई आइस हो गया और पोटेशियम आयोडाइड हो गया। सिल्वर आयोडाइड जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट्स जिसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्लाउड सीडिंग बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर मिमिक्स आइस। अब ड्राई आइस जो है वो कूल करता है सराउंडिंग एयर को जब ये सब्लिमेट होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती हैं ऑफ आइस क्रिस्टल्स। कुछ केसेस में पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू सीड क्लाउड्स। अब प्लेन्स जो हैं उसमें इक्विप किए जाते हैं बर्नर्स और डिस्पेंसर्स जब ये फ्लाई होती हैं अबव द आइडेंटिफाइड क्लाउड लेयर और इसमें रिलीज किए जाते हैं द सीडिंग एजेंट। एक बार ये रिलीज हो गई तो सीडिंग एजेंट जो है वो एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियस अराउंड विच वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं या आइस जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकती है। अब जैसे ही ज़्यादा आइस क्रिस्टलाइज होती है या लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं तो ये ग्रो करते हैं बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर इन द क्लाउड। जब ये भारी हो जाते हैं तो फिर ये क्लाउड से बरसते हैं एज रेन और एज स्नो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अब क्या आर्टिफिशियल रेन जो है वो दिल्ली के लिए काम करेगा? अकॉर्डिंग टू द डीन ऑफ कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन IIT कानपुर SN त्रिपाठी जी का ये कहना है कि अगर आप कॉम्बैट करेंगे एयर पोल्यूशन को विद आर्टिफिशियल रेन इन दी नेशनल कैपिटल रीजन, ये प्रोसेस जो है ये इजी नहीं रहेगा। उनका ये कहना है कि आर्टिफिशियल रेन कैनॉट बी एक्सपेरिमेंटेड और ट्राइड नाउ ड्यूरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा और इसको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है गिवन कि काफ़ी क्लियरेंसेस करने पड़ेंगे और लुकिंग एट दी करंट ऑप्टिमल वेदर कंडीशंस उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वर्किंग काफ़ी लो रहेगा। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।